आज बनाने जा रहे हैं आपके लिए दो डिश। एक हमने बनाई है इडली और नारियल की चटनी साथ में, और दूसरी हमने बनाई है मखाना करी। दोनों बहुत ही अच्छी बनी है, नवरात्रि में इसको आप ट्राई करिए। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, आप आसानी से खा सकते हैं नवरात्रि में इसको। आपको मेरी डिशेस कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको ये कैसी लगी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी होगी। कैसे बनाते हैं चलिए हम दिखाते हैं आपको। व्रत की इडली बनाने के लिए हमने लिए हैं साबूदाने, छोटे वाले आप कोई से ले सकते हैं। हमने सबसे छोटे वाले साबूदाने लिए हैं, और हमने लिया है समा के चावल, ये व्रत में खाए जाते हैं। आधी कटोरी समा के चावल, आधी कटोरी साबूदाना। हम दोनों को मिक्सी जार में डाल देंगे और इनको हम पीस लेंगे। देखिए दोनों को पीस लिया है, जिस प्रकार से रवा होता है सूजी उस तरह से हो गए हैं दोनों। देखिए हम इसमें कर देंगे, इसमें डालेंगे हम दही एक कटोरी। दही खट्टा हो तो और अच्छा है, नहीं तो जैसा दही है वैसा डाल सकते हैं आप। हम पूरा दही कर देंगे इसमें, मिला देंगे इसको। अब डालेंगे इसमें हम पानी, हमने दही की कटोरी में ही पानी कर लिया है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे पहले, डाल देंगे हम आधे चम्मच सेंधा नमक। हमारे नमक में थोड़ी सी काली मिर्च मिली हुई है, इसलिए इसमें हम कुछ और डालेंगे नहीं मिर्च भी। बैटर बन गया है, अब इसको हम ढक करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। किसी गर्म जगह पर रखेंगे तो और अच्छा है। फूल चुका है बैटर, इसको हमने 3 घंटे के लिए ढक करके रख दिया था। अब इसको हम एक बार और मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे। जार में कर दिया हमने, इसको हम पीस लेते हैं एक बार और। इसको हमने पीस लिया एक बार और, अब इसको हम इसमें कर देंगे तुरंत। हमने पूरा बैटर निकाल लिया है, इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग सोडा, इसमें हम इनो नहीं डालेंगे, इनो में नमक होता है, इसको मिलाएंगे हम। हम इडली डाल लेंगे, सब में लगा देंगे घी। बैटर को इसमें कर देंगे हम, सब में 1 1 चम्मच करेंगे। और इसको हम लगाते जाएंगे इसके ऊपर इस प्रकार से। अब इसको हम ऐसे लगा देंगे, बंद कर देंगे इसको, टाइट कर दिया हमने इसको। हमने कुकर में पानी गर्म करने रख दिया है, पानी में उबाल आ गया है। गैस को हम थोड़ा धीमा कर देंगे और स्टैंड को रख देंगे इसमें हम। अब इसको ढक देंगे के इसको 10 से 12 मिनट के लिए बनने देंगे मीडियम गैस पे। हम देख लेते हैं इडली बन चुकी है, गैस बंद कर देंगे हम और इसको हम निकाल के ठंडा करके तब निकालेंगे। बनाएंगे इडली के संग खाने वाली चटनी। हमने नारियल का पाउडर लिया था 2 चम्मच, उसको हमने पानी में भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। देखिए फूल गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया है। इसको हम डाल देंगे मिक्सी जार में, आप चाहे तो फ्रेश नारियल ले सकते हैं। हरी मिर्च, 1 चम्मच दही, सेंधा नमक, इसको हम पीस लेंगे। अब तैयार है चटनी, चाहे तो इसको आप ऐसे ही यूज़ करिए और चाहे तो इसमें तड़का लगा लीजिए। आपको दिखाते हैं तड़का कैसे लगाएंगे।
हमने एक छोटी चम्मच तेल गरम कर लिया है तड़का पैन में, डाल देंगे जीरा, कड़ी पत्ता, प्याज बंद कर देंगे, इसमें तड़का डाल देंगे, निकाल लेंगे। इडली ठंडी हो चुकी है, इसको हम चाकू से निकालेंगे। तैयार है व्रत की इडली नारियल की चटनी के साथ में, देखिए बहुत अच्छी बनी है और बहुत ही स्पंजी है इडली, देखिए कितनी अच्छी बनी है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। ये मखाना करी, मखाना करी बनाने के लिए हमने कढ़ाई गरम कर लिया है, इसमें डाल देंगे हम देसी घी, एक बड़ी कटोरी मखाने, इसको हम भून लेंगे। मखाने भून चुके हैं, गैस बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। अब हम लेंगे दो टमाटर, दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा, उसको हमने क्रश कर लिया है, इन तीनों को हम मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। पीस लिया तीनों को हमने, उसी कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी और गरम कर लिया है, इसमें डाल देंगे हम जीरा, अब डाल देंगे इसमें हम टमाटर पिसे हुए, इनको भून लेंगे हम। इसमें डाल देंगे हम काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच, सेंधा नमक एक चम्मच या स्वाद के अनुसार, भूनेंगे अच्छी तरह से हम। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच दूध की मलाई, अच्छी तरह से हम भूनेंगे सभी मसालों को। इसको हम चलाएंगे मलाई डालने के बाद लगातार। छोड़ दिया ग्रेवी ने, भुन चुकी है मसाला हमारा, अब डाल देंगे इसमें हम पानी, हमने मिक्सी जार में पानी ले लिया, इसमें टमाटर पीसे थे एक छोटा गिलास पानी है, इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच चीनी, अब इसको हम ढक देंगे और गैस को मीडियम कर देंगे, इसमें उबाल आ जाएगा तब इसमें हम डालेंगे मखाने, देखिए उबाल आ गया इसमें, गैस को धीमा कर देंगे, डाल देंगे इसमें हम मखाने, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, इसमें हमने आधा गिलास पानी और डाला है, अब इसको हम फिर से ढक देंगे, गैस को मीडियम कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए बनने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से उबल गई है, बन चुकी है हमारी सब्जी, गैस बंद कर देंगे हम। तैयार है व्रत की मखाना करी।
तैयार है व्रत के लिए इडली और नारियल की चटनी और मखाना करी। आप चाहे तो इडली को मखाना करी के साथ भी खा सकते हैं या चटनी के साथ खा सकते हैं। मखाना करी को आप कुट्टू के पूड़ी के साथ खा सकते हैं या रोटी पराठे, बहुत ही अच्छी लगती है। तैयार है व्रत के लिए।